बंका के YouTube चैनल पे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बैंडसो मशीन को, और बैंडसो मशीन एक तरह से हैक्सो मशीन का रिप्लेसमेंट है, नया टेक्नोलॉजी है। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो वीडियो जो है वो हैक्सो मशीन वर्सेस बैंडसो मशीन का एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एक मिनट में समझा देता हूँ कि हैक्सो मशीन जो होता था वो जॉब को इस तरह से काटता था, फिर अप होके वापस जाता था, दूसरा कट लगाता था। लेकिन बैंडसो मशीन में क्या होता है कि हमारा कट कांस्टेंट है, उस वजह से हमारा जॉब के ऊपर फिनिशिंग भी अच्छा आता है और हमारा टाइम सेव होता है। और हालांकि एनर्जी, आज के ज़माने में एनर्जी सेव करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर एनर्जी भी हमारा सेव होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि बंका अपने सभी मशीनों में कुछ ऐसे फीचर्स डालता है जिसकी वजह से वो ऑपरेटर फ्रेंडली कहलाता है। मैं आपको सबसे पहला फीचर जो इसके अंदर समझाने वाला हूँ वो है, यहाँ पे एक फुट माउंटेड ऑपरेशन दिया हुआ है, जिससे कि ऑपरेटर अगर पूरा दिन काम करता है तो उसके हाथ को थकान जो होती थी उसकी जगह यहाँ फुट से यह ऊपर करता है, तो थकान थोड़ी कम होती है। इस मशीन में और एक फंक्शन दिया गया है जिसको हम मैकेनिकल बार फीडर कहते हैं। ये बार फीडर ऐसा होता है कि देखिए, ऑपरेटर यहीं पे खड़ा है, इसको अगर उसे खोलना है तो ये वाइस को खोलेगा इस हैंडल से, और उसके बाद बार को आगे करना है तो यहाँ से ये घुमाने से वो बार आगे। देखिए, ये बार को अगर मुझे लेना है मैं यहीं से आगे ले सकता हूँ। देखिए, मेरे हाथ अगर मैं मुझे 5-10 mm जितना भी लेना है मैं कंट्रोल में आगे ले सकता हूँ। ऑपरेटर की सहूलियत के लिए ये बार फीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दूसरे राइवल्स, जो भी हमारे ऐसे बैंडसो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है, वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स में इस तरह का बार फीडर नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं इस हाइड्रोलिक ट्यूब के बारे में। ये आपको लॉन्ग लाइफ, शायद ये मशीन अगर आप 15-20 साल चलाते हैं, उसके बाद जब इसको स्क्रैप में डालते हैं उस वक्त भी ये ट्यूब आपको अंदर से ऐसा ही मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि हमने यहाँ पे दो तरह के वाल दिए हैं। एक है जो वाल है वो ऑन ऑफ के लिए है, कि अगर हमें ये नीचे, देखिए ये कितनी स्पीड में नीचे लेना, ये आप अगर आपको रोकना है तो यहाँ से करना है, और अगर आपको जल्दी से नीचे लेना है, देखिए कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी स्पीड में हमें इसको ऊपर उठाना है और कौन सी स्पीड में हमें धीरे धीरे नीचे लेना है। तो ये हम यहाँ से, ये दोनों वाल से तय कर सकते हैं। एक यहाँ पे आप लिमिट स्विच देख रहे हैं, वो लिमिट स्विच ये बॉल पे टच हो जाता है तो हैक्सो अपने आप बंद हो जाता है। कि ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं उसका थिकनेस 0.9 यानी वो 0.9 यानी 1 mm से भी कम होता है, उससे हैक्सो के मुकाबले हमारा 2 mm या शायद 1.5 mm का मटेरियल भी सेव होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ब्लेड के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ब्लेड बहुत महंगी आती है। इस ब्लेड को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे 5 और वो उस तरफ से 5, हमने 10 बेरिंग दिए हुए हैं, और ये जो सपोर्ट है वो कार्बाइड के सपोर्ट दिए हुए हैं, और इसके ऊपर टिटानियम कोटिंग होने से ये ब्लेड इसको घिस नहीं पाता है और लॉन्ग लाइफ तक इसको सपोर्ट देता है। वेदर इफेक्ट लेवलिंग मशीन के लेवल को असर करता है, तो हमारे यहाँ सीजन चेंज होते ही इसका वाइब्रेशन बढ़ना या फिर कोई अनबैलेंस जॉब लगाने की वजह से अगर मशीन का पोजीशन हिल जाता है, फाउंडेशन हिल जाता है, उस कंडीशन में वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ऑपरेटर आपको कभी ये नहीं बताएगा कि इस मशीन में कितना वाइब्रेशन आ रहा है, लेकिन वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से आपका टूलिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप ये हर महीने की 1 तारीख को इसका वाइब्रेशन चेक करना, इससे आपका टूलिंग एक्सपेंस सेव होने वाला है। इसमें हमने पावर सेवर इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई हुई है, और इसके अंदर जो गियर बॉक्स है इसका लाइफ इतना है कि हमने सप्लाई किए हुए 15 साल पहले के बैंडसो मशीन आज भी चल रहे हैं। उस गियर बॉक्स को खोल के रिप्लेस करना या रिपेयर करने का काम हमने नहीं किया है। तो मेरा आपको ये वादा है, मेरा मशीन में 10-15 साल तक अगर आपको कोई गियर बॉक्स के रिलेटेड इश्यू आता है तो मैं आपको पूरा गियर बॉक्स बदली कर दूंगा। मैं आपके फ्लोर पे अपने खर्चे पे पूरा गियर बॉक्स बदली करने का कमिटमेंट देता हूं।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल की। देखिए यहाँ पे मशीन स्टार्ट होता है और यहाँ से बंद होता है, लेकिन ये स्विच किस लिए दिया गया है मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए अभी मशीन बंद हालत में है, लेकिन जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ अब मुझे इस स्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है। ये दबाने के बाद नेक्स्ट कट शुरू होता है, लेकिन अगर मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे ऐसा करना है कि जैसे ही मैं इसको उठाऊं और ये कट स्टार्ट हो जाए, मैंने इसको ऑटो में डाल दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने उठाया ये ब्लेड, यहाँ का ब्लेड शुरू हो गया। तो ऑटो मोड और मैनुअल मोड में आप जैसे पसंद करें आप इसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं बंका के बैंडसो मशीन के एक और फीचर के बारे में। यहाँ पे देखिए, नज़दीक आइए, ये जो बेयरिंग है वो दूसरे जो हमारे राइवल्स देते हैं उस तरह का बेयरिंग नहीं है, ये एक तरह से यूसी बेयरिंग है। इसका मतलब ये होता है कि ये बेयरिंग जो है वो ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है, और ये ऐसे तो घूमता ही है लेकिन ये ऐसे भी मूवमेंट कर। इसका बेनिफिट ये है, जब ये ऊपर नीचे हो रहा है तब यहाँ स्मूदनेस मिलेगा, इस मशीन को वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, बहुत स्मूद सालों तक ये कटिंग देगा। तो ये बेयरिंग का ये बेनिफिट है। हालांकि थोड़ा महंगा बेयरिंग है, लेकिन हमने ये बेयरिंग यहाँ डालना पसंद किया है क्योंकि ये मेन पार्ट है, यहीं से पकड़ बना हुआ है इस बैंडसो मशीन के पूरे बॉडी का। हमारे यहाँ महीने में एकाध कस्टमर तो बैंडसो मशीन परचेज करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से यहाँ तक खुद विजिट करने के लिए आते हैं। अगर मेरा ये वीडियो देख के उसका फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको हमारे फ्लोर पे बन रहे मशीनों का प्रोडक्शन दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपका पैसा भी बचे, आपका टाइम भी सेव हो और आप हमारे काम को इस वीडियो के जरिए देख सकें। यहाँ पे जो मशीनें बन रही है उसमें मेन पार्ट तो फैब्रिकेशन का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कुछ गियर बॉक्स, ब्लू कलर के जो ये गियर बॉक्स है ये उसका हार्ट है, ये उसका मेन पार्ट है, और इसी के साथ मोटर ब्लेड को सालों तक घुमाता है। यहाँ पे कुछ मशीनों में ये गियर बॉक्स फिट किया हुआ भी है। दो पुल्ली जो इस ब्लेड को घुमाती है उसके अंदर हमने चार बेयरिंग दिए हैं। हालांकि वो बॉल बेयरिंग है, लेकिन वो बॉल बेयरिंग, चार बॉल बेयरिंग होते हैं, उससे उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है और उसके अंदर बैकलेस नहीं होती। जब उसके अंदर बैकलेस नहीं होती तो ब्लेड टूटना और उसका लॉन्ग लाइफ तक चलना तय है। इस मशीन में जो दो पुलिया है वो दोनों ही पुली अच्छे यानी कि ग्रेडेड कास्टिंग से बनाई गई हुई है, और उसका हम मशीन के ऊपर वेल बैलेंस भी करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे बैंडसो मशीन को अगर परचेज करना चाहते हैं तो हम इस बैंडसो मशीन के लिए 3 साल की वारंटी देते हैं। 3 साल तक इस मशीन के कोई भी स्लाइड, बैरिंग्स, स्क्रू या गियर बॉक्स में कोई भी खराबी आती है तो उसके लिए बंका जिम्मेदार है, और आपके वर्क फ्लोर पर आके आप को रिपेयर या रिप्लेसमेंट देगा। खरीदो, चालो स्टार्ट। बोलो ट्र ट्र करे इन्हें बंद। ऑपरेटिंग इस ऑपरेट बंद कर। आप कोई भी ब्रांड का बैंडसो मशीन परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके ऊपर हार्ड ड्राइव देखिए, तो उसमें कितना वाइब्रेशन है। लेकिन